बिहार बीजेपी के लिए आज खुशियों का उत्सव था। बीजेपी कार्यकर्ता तो दिवाली से पहले ही विधानसभा चुनावों में जीत की दिवाली मना चुके थे। आज सरकार का शपथ ग्रहण समारोह था। मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार बने, लेकिन दबदबा तो बीजेपी का ही है। इसकी वानगी है बीजेपी दफ्तर में खुशियों का ये जश्न। राजभवन के बाहर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे नगाड़े बजाए जा रहे हैं और जो लोग हैं यहाँ पर एक तरीके से जश्न का माहौल है यहाँ पर। और राजभवन के बाहर कार्यकर्ता जो है लगातार जुट रहे हैं और इसी तरीके से जो है उत्सव का माहौल सा लग रहा है यहाँ पे जेडीयू कार्यकर्ता। ये सर तो पहले से तय था, बिहार के जनता ने तय रखा था कि हमको नीतीश कुमार जी जैसा लोकप्रिय मुख्यमंत्री, विकास का मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा। इसलिए बिहार की जनता का जो चाह था उस पर खरे उतरा गया है और निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार है, निश्चित रूप से बिहार का विकास इतना तीव्र गति से होगा। बीजेपी दफ्तर के बाहर कहीं ढोल नगाड़े बज रहे थे तो कहीं तुरही बज रही थी। गृह मंत्री अमित शाह भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पटना पहुंच गए थे। अमित शाह जब बीजेपी के दफ्तर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं में उत्साह भर गया। अमित शाह के स्वागत में ढोल बजने लगे। शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले से ही पहुंचे हुए थे। जिन जिन नेताओं को मंत्री बनाया जाना था उनके घर जब सूचना पहुंची तो उनके घर का माहौल ही बदल गया। रेणु देवी के नए सरकार में उप मुख्यमंत्री बनने की खबर उनके ननिहाल मुजफ्फरपुर पहुंची तो वहां दिन में ही होली और दिवाली मन गई, जमकर आतिशबाजी हुई। लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाए। परिवार में खुशियों की कोई सीमा नहीं थी। बहुत खुशी है वो हमारे हिसाब से, हम पोसे पाले सब कुछ किए हैं। आज वो बड़ी आदमी उससे और आगे बढ़े और यही आशीर्वाद। मामी है उनकी? हम बड़ी मामी, छोटी मामी भी है। आप बताइए कितनी खुशी हुई घर की बेटी मुख्यमंत्री? हाँ, घर के बेटी बहुत खुशी हुई है हमको, बहुत अच्छा लगा हमको। मेरे बगनी हमारा खड़ी है और अच्छा लगा हमको। एनडीए के पार्टनर जीतन राम मांझी तो खुद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए, लेकिन उनके बेटे संतोष मांझी ने नीतीश सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। इस मौके पर पूरा परिवार गदगद था। इस मतलब विश्वास से इनको इस जिम्मेवारी सौंपे हैं तो हम चाहेंगे कि ये अपने उस विश्वास पे खरे उतरें और ईमानदारी पूर्वक काम करें बस। और मुझे विश्वास है कि ये सही ढंग से काम करेंगे। अब तक तो आपके ससुर जी पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अब पति मंत्री बनेंगे, क्या लगता है बहुत चुनौती होगी? चुनौती तो आते रहती है, लेकिन मतलब समय के साथ सब ठीक हो जाता है। अच्छा काम करेंगे, मेहनत करेंगे, अच्छा काम करेंगे समाज में तो आएगा ही परिणाम मिलेगा। संतोष मांझी के दो लड़के, बेटे और बेटी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य प्रकाश। आदित्य, पापा मंत्री बनने जा रहे हैं पहली बार, आपके दादाजी तो मंत्री थे और मुख्यमंत्री भी थे। हाँ, पापा पहली बार मंत्री बनने जाने, इसके लिए हमें खुशी भी है और उन्हें नई जिम्मेदारियां भी मिल रही है जिसे हम खुश हैं और वो अपनी जिम्मेदारियों को जरूर पूरा करेंगे। आप लोगों को लगता है पापा अच्छा काम करेंगे? हाँ, नीतीश कुमार ने उनमें आस्था दिखाई। हाँ, जरूर अच्छा काम करेंगे पापा। अच्छा, हाँ भरोसा है। बेटी है उनकी, आपका क्या नाम हुआ? आकृति। आकृति, आप बताइए पापा को लेकर कितनी आश्वस्त है, मंत्री बनेंगे आप तो बिहार में? हाँ, वो बनेंगे और अच्छे काम भी करेंगे और मैं बहुत अच्छा खुश करेंगे। आज भाई दूज का त्योहार है और नीतीश कुमार सरकार का शपथ ग्रहण समारोह भी आज ही था। नीतीश कुमार की बड़ी बहन उषा देवी भाई के लिए पूजा कर रही थी, सातवीं बार मुख्यमंत्री बनने पर बधाइयां भेज रही थी। पूजा कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद दे रहे हैं, सहे हुए हैं, और क्या कहें। बहुत खुशी की बात है कि सातवां बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आज अच्छा दिन है, भैया दूज भी है और मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं। नीतीश कुमार ने सातवीं बार शपथ ली तो उनके पैतृक गांव कल्याण बीघा में खूब जश्न मनाया गया। खीर पूड़ी और मिठाइयां बांटी गई, पटाखे और फुलझड़ियां छूटी, रंग और गुलाल भी खूब उड़े। नालंदा से रंजीत कुमार, पटना से उत्कर्ष कुमार सिंह और रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।